Today we learn chapter number 2. Our chapter name is addition. So first we learn what is addition and what is the meaning of addition. Do you know what is the meaning of addition? Addition means jod. Addition means jod. Then we learn the how many parts of addition? How many parts of addition? Do you know? तो mainly two parts of addition. कितना है आपका? There are two parts of addition. Name them, addend and sum. Number one is addend, and number two is sum. For example, like as 4, 3, 2, 3. These are addends. Addends. Both are called addends. And 3, 3. अब ये दोनों को हम add करते हैं. 3 और 3. 3 and 3 equal to 6. 4, 2, 6. And what is this? This is called sum. This is sum. तो यानी कि आज हम लोग क्या सीखे? What is addition? Addition means क्या होता है? What is the meaning of addition? Addition means जोड़. Then we learned how many parts of addition. तो there are two parts of addition. Number one addend and number two is sum. For example, example के द्वारा हम लोग जान गए कि addend क्या है. कौन से पार्ट को हम लोग एडेंड बोलेंगे? तो ये जिस संख्या जो नंबर हम लोग ऐड करते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को जो ऐड करते हैं, दीज आर कॉल्ड एडेंड्स. ओके, और उसको ऐड करने के बाद जो हमारा सम आता है, योगफल जो आता है, उसे हम लोग सम कहते हैं. सम को हिंदी में उसका मीनिंग क्या होगा? योगफल. ओके, देन वी लर्न हाउ डू वी चेक आवर एडिशन. How do we check our addition? अब देखिए, इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि हमारा addition, ये जो हमारा sum आया 66, ये सही है या गलत है. तो इसे चेक करने के लिए कि mainly क्या होता है कि there are two ways to check addition. पहले या तो आप इसे लोअर पार्ट से उसको ऐड करते हैं. आप देखिए 23, 43. अब इस दोनों को ऐड करके हम ऊपर फाइंड लिखेंगे इसका सम. ठीक है, देखिए 3, 3, 6, 2 और 4, 6. और सेकंड वे इज You can also check addition by subtracting. You can also check addition by subtracting. और subtracting में क्या करना है हमें कि sum जो है total, उसमें से किसी एक addend को minus करेंगे. ओके, अब देखिए sum कितना है आपका? 66 है. पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर 43 और 23 है, इसको ऐड करने पर हमें 66 आया था. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इसे, है ना, चेक करते हैं. तो देखिए सम हमारा क्या है? 66. इसमें से हम किसी भी एक एडेंट को माइनस करेंगे और उसके बाद जो एक अदर एडेंट रह जाएगा
उतना हमारा रिमेनिंग बचना चाहिए, तभी हमारा वो सॉल्यूशन सही है, नहीं तो फिर अदरवाइज वो गलत है। ओके 66 माइनस 23। नाउ सब्सट्रैक्ट हियर, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। दिस इज आवर फर्स्ट एडेंड, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट एडेंड हो गया, फर्स्ट एडेंड, और ये हमारा सेकेंड एडेंड है, सेकेंड एडेंड, और ये क्या है, सम है। अब देखिए सम माइनस सेकेंड एडेंड या फिर आप फर्स्ट एडेंड कोई किसी को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके तो यहां पे हमारा क्या था, सेकेंड एडेंड, इक्वल टू फर्स्ट एडेंड, फर्स्ट एडेंड इज 43। नाउ आवर आंसर इज करेक्ट। ओके इसी तरह से आप अपने एडिशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।